के पूर्व सांसद जयाप्रदा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। 2019 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है, लेकिन पूर्व सांसद कोर्ट में पेश नहीं हुई। ऐसे में अब कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। खबरों के मुताबिक पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा को ढूंढकर कोर्ट में पेश किया जाए। जानकारी के मुताबिक पिछली कई तारीख ऐसी गई हैं जिनमें अभिनेत्री जयाप्रदा हाजिर नहीं हुई और बार बार कोर्ट से उनको पेश करने के लिए समन जारी होते रहे। इसके बाद उनके खिलाफ वारंट और फिर गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुई। कोर्ट ने जयाप्रदा के खिलाफ 7 बार गैर जमानती वारंट जारी किए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर को बार बार लिखकर जयाप्रदा को पेश करने के आदेश दिए गए, लेकिन वो फिर भी कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके चलते उनके विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करने की हिदायत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी का कहना है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला चल रहा है। तारीख जारी होती रही लेकिन वो पेश नहीं हुई। गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए, फिर भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुई। थाने की जो रिपोर्ट आई थी उसमें रंजीत द्विवेदी प्रभारी निरीक्षक ने ये रिपोर्ट भेजी थी कि अभियुक्त जयाप्रदा अपने आप को बचा रही हैं, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ चल रहा है। चलते चलते आइए आपको बता देते हैं कि 82 सीआरपीसी की क्या कार्रवाई होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई तब होती है जब अभियुक्त या अभियुक्त उपस्थित नहीं होते हैं तो हाजिरी सुनिश्चित कराई जाने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा की कार्रवाई की जाती है। इससे सीआरपीसी में धारा 82 की कार्रवाई कहते हैं। इसका मतलब है कि जयाप्रदा फरार घोषित हो चुकी है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा।